विद्यार्थियों आरसीआई एजुहब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में अध्ययन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 में बोर द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, टॉपिक है बोर द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, कि बोर ने अपने सिद्धांत के आधार पर किस तरह से व्याख्या की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो भाई देखो, बोर नामक वैज्ञानिक हुआ था, बोर ने अपना एक मॉडल दिया था, इसको बोर मॉडल कहते हैं। देखो तो बोर ने सबसे पहले ये बताया कि कमरे के ताप पर, कक्षीय ताप पर सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, अपनी सामान्य अवस्था में रहते हैं, अपनी विराम अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब उस परमाणु को कहीं बाहर से ऊर्जा मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है, तब जाकर इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होती हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में संक्रमण करना शुरू कर देता है, छलांग लगाना शुरू कर देता है, परमाणु में हलचल शुरू हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बोर कहता है कि कमरे के ताप के ऊपर तो, कक्षीय ताप के ऊपर तो सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में होते हैं, अपनी सामान्य अवस्था में होते हैं, लेकिन जब परमाणु को बाहर से किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिलती है, तो वह इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में संक्रमण करना शुरू कर देता है। फिर बोर ने जो तीसरा जो नियम था बोर का, जो बोर का तीसरा अभिग्रहित था, उसमें बोर ने बताया था क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, छलांग लगाता है, तो उस अवस्था में वह फोटोन के रूप में ऊर्जा को बाहर निकालता है, और उस फोटोन की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। तो भाई अपन कह सकते हैं कि फोटोन की ऊर्जा एच न्यू बराबर होती भाई EN2 - EN1 के। ये बोर ने अपने तीसरा अभिग्रह दिया था, तीसरा सिद्धांत दिया था, उसमें बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में संक्रमण करता है, कक्षा में छलांग लगाता है, उस कंडीशन में वह फोटोन के रूप में ऊर्जा को बाहर निकालता है, और उसकी ऊर्जा दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। वह देखो यहाँ पे जो EN2 है, इसे हम कहते हैं उच्च ऊर्जा वाली कक्षा। ध्यान दो, यहाँ पे जो EN2 है, ये यहाँ दो ऊर्जा है, यहाँ पे यहाँ जो EN2 है भाई, EN2 कहलाती है उच्च ऊर्जा वाली कक्षा। और भाई यहाँ पे जो EN1 है, ये कहलाती है निम्न ऊर्जा वाली कक्षा, इसको कहते हैं निम्न ऊर्जा वाली कक्षा। तो ये जो ऊर्जा है फोटोन की ऊर्जा, ये दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर होती है। फिर देखो, आपने टॉपिक पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है, उस कुल ऊर्जा का वही सूत्र होता है EN बराबर होता है -mZ²E4/8ε² N² और भाई H² ये भाई उस कुल ऊर्जा का सूत्र होता है। और अपन जब यहाँ पे ये जो नियतांक हैं, m नियतांक, m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, ये आवेश है, ये एप्सिलॉन में नियतांक है, h नियतांक है, n कक्षाओं की संख्या है, हम जब यहाँ पे सभी नियतांक को जब मान रखते हैं, तो उसका जब मान निकालते हैं, तो अपन जानते हैं कि इस ऊर्जा का जो बीजगणित जो मान आता है वो कितना आता है, -13.6 × Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है, वो उसका बीजगणितीय मान होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सूत्र रूप में मान है, तो ये होगा EN = -mZ²E4/8
एप्सिलॉन का स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर ये मान है। देखो आगे अगर हम प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो देखो भाई प्रारंभिक अगर हम अवस्था की बात करें प्रारंभिक अवस्था जो है देखो उसमें क्या है इस अवस्था में देखो ई एन तो क्या हो जाएगा भाई ई एन वन हो जाएगा यानी ये हो जाएगा ई एन वन ठीक है भाई और माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन आठ एप्सिलॉन का स्क्वायर भाई एन देखो एन क्या हो जाएगा एन वन बाकी सब नियतांक रहेंगे भाई एन वन स्क्वायर और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माना कि नंबर एक समय डाल लो इसको। हम आगे अब अंतिम अवस्था की बात करें या हम द्वितीय अवस्था की बात करें देखो आगे द्वितीय अवस्था के लिए भाई देखो यहाँ उसमें क्या हो जाएगा ई एन टू हो जाएगी तो माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन आठ एप्सिलॉन का स्क्वायर एन टू का स्क्वायर और एच स्क्वायर ये हो गया भाई द्वितीय अवस्था के लिए या अंतिम अवस्था के लिए नंबर दो समीकरण डाल दिया। अब क्या करें अब अपन इसमें इन दोनों के मान रख देंगे किसके मान रख देंगे ई एन टू का मान रख देंगे और यहाँ पे इसमें ई एन वन का मान रख देंगे इस समीकरण के अंदर जो बोर ने दिया था अपने तीसरे अभिग्रहित में दिया था तो यहाँ पे दोनों के मान इसमें रख देंगे। रखिए भाई देखो भाई अपन इस फॉर्मूले में ये दोनों मान रखने जा रहे हैं तो इसका जो मान है ये तो देखो भाई यहाँ जाएगा एच न्यू बराबर देखो ई एन टू ये मान रखो पहले माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन भाई आठ एप्सिलॉन का स्क्वायर एन टू का स्क्वायर और भाई एच स्क्वायर देखो माइनस ये माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन आठ एप्सिलॉन का स्क्वायर एन वन का स्क्वायर और भाई एच स्क्वायर भाई देखो आगे ये माइनस है ये माइनस है भाई यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा प्लस और भाई ये हो जाएगा एच न्यू बराबर माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन आठ एप्सिलॉन का स्क्वायर एन टू स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन आठ एप्सिलॉन का स्क्वायर भाई एन वन स्क्वायर और एच स्क्वायर देखो ये माइनस ये माइनस क्या भाई यहाँ प्लस हो जाएगा गुणा कर देखो यहाँ पे गुणा होकर ही प्लस हो जाएगा। अब यहाँ जो कॉमन आते हैं हम यहाँ पे इनको कॉमन ले लेंगे जो भी यहाँ राशि कॉमन आती है देखो भाई आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे m कॉमन आ रहा है जेड स्क्वायर ई फोर ये सब कॉमन आ रहे हैं तो इन सबको कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा भाई ये एच न्यू बराबर देखो m कॉमन ले लिया m कॉमन आ रहा है यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया ई फोर अपॉन आठ एप्सिलॉन का स्क्वायर एच स्क्वायर और भाई देखो ये अंदर क्या बचेगा देखो अंदर बचेगा माइनस एक बटा एन टू स्क्वायर और ये बचेगा एक बटा एन वन का स्क्वायर ठीक है भाई हमने तो कॉमन लिया यहाँ पे ये बचेगा माइनस का ये बचेगा प्लस का। अब देखो आगे ये फिर आगे एच न्यू बराबर एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन आठ एप्सिलॉन का स्क्वायर और भाई देखो एच स्क्वायर देखो अब ये प्लस का ये माइनस का है तो एक बटा एन वन स्क्वायर माइनस एक बटा एन टू का स्क्वायर ठीक है भाई तो ये हमारा जो है यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया मान। अब देखो ये जो मान ना अपन देखो जानते हैं आगे अब कि ये जो आवर्ती होती है अपन जानते हैं कि आवर्ती न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्बडा होता है भाई तो यहाँ न्यू का मान रखेंगे सी अपॉन लैम्बडा तो ये तो आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा ये आ जाएगा और देखो इक्वल हो जाएगा एम एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन आठ एप्सिलॉन का स्क्वायर भाई और एच स्क्वायर और ये सेम यहाँ बचेगा एक बटा एन वन स्क्वायर और माइनस एक बटा एन टू का
स्क्वायर बाई। देखो आगे भाई, अगर हम यहाँ से, यदि हमें यहाँ से एक बटा लैम्डा का मान चाहिए, किसका भाई, एक बटा लैम्डा का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, एच सी यहाँ आ जाएगा बट टेमरिन से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक बटा लैम्डा बराबर एम जेड स्क्वायर ई फोर। देखो भाई एच सी आ जाएगा बट टेमरिन से गुणा होगा एच सी, तो आठ और भाई एफ सेल का स्क्वायर, देखो एच क्यूब हो जाएगा, अब एच क्यूब और सी, और ये सेम रहेगा एक बटा एन वन स्क्वायर और माइनस एक बटा एन टू का स्क्वायर भाई। अब यहाँ देखो भाई, ये जो मान बच गया ना, ये जो पूरा मान है, ये मान रीड बर्ग नियतांक के मान के बराबर होता है, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड का मान तो एक हो जाएगा। अब ये जो पूरा जो मान बच गया, चूँकि देखो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए भाई, अपन जानता कि हाइड्रोजन के लिए जो परमाणु है हाइड्रोजन का जेड का मान एक हो गया, और बाकी जो मान बच गए सभी जो मान, ये भाई आर के बराबर होंगे, तो एम ई फोर अपॉन आठ एफ सेल का स्क्वायर भाई एच क्यूब और सी। ध्यान दो, अपन सबका इनका मान रखेंगे, जो सभी के जो मान हैं वो मान रीड बर्ग नियतांक के बराबर प्राप्त होंगे, इसलिए यहाँ आ जाएगा एक बटा लैम्ब्डा बराबर आर इंटू एक बटा एन वन स्क्वायर माइनस एक बटा एन टू का स्क्वायर। ध्यान दो भाई, आप कहोगे सर ये मान कहाँ गए, बेटा ये मान आर के बराबर हो गए। आर क्या है, आर यहाँ रीड बर्ग नियतांक है, अपन पढ़ चुके से बारे में, इसका मतलब अपन जानते हैं कि भाई 1.09737 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होता है, ये इस आर का मान होता है। ठीक है भाई, अब देखो आगे, तो यहाँ पे ये आर का मान होता है यहाँ पे, तो ये इसका मान आर के बराबर हो जाता है और ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखो आगे इसके अंदर, अभी इसमें क्या करेंगे अपन यदि यहाँ एन वन का जो मान अगर हम एक यहाँ पे एन वन का मान अगर हम रख दें यहाँ पे दो रख दें, अगर हम एन टू का मान रखें एन, अगर हम यहाँ पे एन वन का मान दो रख दें और जो एन टू का मान है अगर हम यहाँ पे एन रखें, देखो तो ये मान रखने पर यहाँ पे ये हमारा समीकरण आता है, वो इस प्रकार से आता है कि एन वन, देखो दिया जाएगा एक बटा लैम्ब्डा बराबर आर इंटू एक बटा, देखो इसका मान रखो दो, दो का स्क्वायर माइनस एक बटा एन स्क्वायर। तो भाई ये जो मान है, ये जो हमारा समीकरण है, हम पहले भी इसको प्राप्त कर लिया, ये हमारा समीकरण था, ये दिया था रीड बर्ग दिया था, तो ये समीकरण है, ये समीकरण रीड बर्ग के जो नियतांक है उसके बराबर प्राप्त होता है, इसलिए ये बोर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, बोर ने भी इसका मान इसके बराबर प्राप्त किया है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम इसका अगला पार्ट इससे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, इसका बचाव से इस पार्ट। थैंक यू।